तो हम लोग नहा धोकर के रेडी हो गए हैं सिद्धि स्कूल जाने के लिए और हम इसको वैन तक छोड़ने के लिए। और दो आलसी है जो अभी तक सो रहे हैं। दो आलसी पता है कौन है? दो आलसी यहाँ पर सो रहे हैं। एक है राघव, एक राघव को बैंड बाजा बजा करके उठाना पड़ेगा। और एक आलसी इंसान देखो अंदर बैठ करके जो है रील्स देखा जा रहा है, ये नहीं कि बाहर आए अंदर से हाई हो रहा है। लेट कर रही है मम्मा, मेरा एग्जाम है, जल्दी से पोनी बांधी है और मैंने जल्दी से बाजी में सॉक्स भी पहन लिया, आज से मुझे शूज पहनना है और मेरा बैकपैक भी हो गया था कल रात को ही। वेरी गुड, सुबह सुबह रखी थी दूध गर्म होने के लिए और ये बलून बन चुका है। तो यहाँ पर हम ना सिद्धि के बाल बना रहे थे। आज सुबह में हेयर वॉश कर दिया था ना, और जिस वजह से थोड़े थोड़े बाल ना उसके गीले थे, बट मैंने थोड़ा सा उसे सुखाया और फिर बना दिए चोटी। और यहाँ पर चल रही थी हस्बैंड की पैकिंग, उनको जाना है जम्मू वैष्णो देवी और मुझे साथ नहीं लेकर के जा रहे। और मुझे ना ले जाने के उसमें ना उन्होंने मुझे खुश करने की कोशिश की कि जिससे मैं खुश हो जाऊँ। तो उन्होंने मेरे लिए मंगाया ये देखो पार्सल खाने का, सुबह कहे कि नाश्ता मत बनाओ मैं मंगा देता हूँ। तो उन्होंने मंगाया है यहाँ पर डोसा है, छोले भटूरे थे और भी बहुत चीज़ें थी। तो और ये ना मालपुआ भी था, तो इसे खा करके मैं खुश तो हो गई। और खुश होने के बाद ना मैं चली गई थोड़ी सी बालकनी में राघव को लेकर के धूप लेने के लिए, और हम लोग थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे। मेरी और राघव की मस्तियाँ यहाँ चल रही थी। और फिर इवनिंग में मैंने बनाया ये मंचूरियन वाली पकौड़ी। मन तो था मंचूरियन बनाने का, बट नहीं बनाया। अब क्यों नहीं बनाया ना ये आगे पता चलेगा। हमारी बेटी बड़ी हो गई है, मम्मा के सर पे तेल भी रख ले रही है, बस यही है, खाली पूरा नचा दे रही मम्मा की खोपड़ी। जैसे लग रहा पेज पलट रही है, इधर बाल उधर बाल। अरे ऐसे नहीं करना, मेरे सर के सारे बाल बाहर आ जाएंगे। ऐसे ऐसे करो, ऐसे हल्की फिंगर ऐसे बालों में डाल के, हाँ ऐसे ऐसे, नेल से नहीं ऐसे टिप, फिंगर टिप से। सीखने की जरूरत है अभी। पापा तो परफेक्ट हो गए फिर। ये मेरा छोटा बेबी, ये पूरा अपने बालों में ऑयल लगा लिया है। टंग अंदर राघव, टंग अंदर। मेरे बालों की ऑयलिंग हो चुकी है, और जो कि किया है सिद्धि ने बहुत अच्छे से किया है, तो ऑयलिंग हो गई है। फिर कॉम ने किया ऐसे ही। और ये जो पैकिंग चल रही थी हस्बैंड की, उन्हें जाना था जम्मू वैष्णो देवी, और 3-4 महीने पहले से रिजर्वेशन हुआ था, बट ये सुबह से पैकिंग चल रही थी और एट लास्ट शाम को आकर के पैकिंग ओपन हो गई, मतलब बैग खाली किया गया, क्योंकि इनको अपना रिजर्वेशन कैंसिल करना पड़ा। इनकी 16 को ट्रेन थी वैष्णो देवी जाने की, बट ये देखो उदास चेहरा। अभी भी 16 को है, लेकिन अब इन लोग के साथ जाना है। अभी तक हम लोग कंट्रेन जाने वाले थे, लेकिन अब वो सीट वगैरह बहुत अच्छी मिल गई थी, लेकिन अब वेटिंग मिला है हम लोग को। कैंसिलेशन लॉस लगभग 5,000 रुपये का हो गया मेरा, फालतू में लटका लग गया। अभी का क्या सीन है कि अभी तक इन लोगों ने प्लानिंग की हुई थी कि ये सब अपना फ्रेंड सर्कल में जाए आएंगे, तो इनके एक कलीग जो है उनके फैमिली में कुछ तो हो गया कोई प्रॉब्लम, तो जिस वजह से उनको रिजर्वेशन कैंसिल करने के लिए बोलना पड़ा, तो इन लोगों का लॉस हो गया, मतलब दिल टूट गया। और जाहिर सी बात है 4-5 महीने पहले से इन लोगों की प्लानिंग चल रही थी, तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि फिर कोई नहीं हम लोग चलेंगे। तो अभी हम लोग कब जाएंगे या फिर क्या प्लानिंग है इसको जानने के लिए आपको हमारे डेली व्लॉग में बने रहना पड़ेगा। और चैनल को ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मैंने जो है सारी पैकिंग खोली और इनको कल निकलना है एक जगह के लिए, तो वहां के लिए बस कपड़े रखे, नहीं तो अभी तक मैंने पूरा इनके 15 डेज के कपड़े पैक किए हुए थे। अभी उनको सबको अनपैक कर दिया है और अब सिर्फ एक दिन के कपड़े की पैकिंग की हुई है। और आज तो ये इतना ज्यादा दुखी थे कि दोपहर में बेचारे लंच भी नहीं किए, अभी भी उदास है, डिनर करने का कोई भी मूड नहीं है। उदासी देख रहे हैं कैसी छाई हुई है, अब भूख लग रही है मुझे। तो दोपहर में कुछ नहीं खाया था, सिर्फ इस दुख में कि ये जा नहीं पा रहे हैं और अब बोल रहे हैं कि अब भूख लगी है, तो शायद इस टाइम कुछ खा लें। और आज राघव की आंखों में लगा दिया गया है फिर से काजल, और राघव को देखो राघव की सर्दी जाने का नाम नहीं। राघव कहाँ चलेगा? पूरी चलेगा राघव, पूरी जाएगा। तो सो फ्रेंड्स चलते हैं अब डिनर कर लेते हैं। आज डिनर में मैंने बनाया है पीले चावल, यानी कि उसको बोलते हैं तहरी। ऐसे इसलिए बैठना पड़ रहा है क्योंकि पापा न्यूज़ देख रहे हैं और मेरा खाना यहाँ पे रखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हो ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलेंगे जल्दी, बाय।